मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रकृति। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रही है कसौटी जिंदगी 2 की स्टार कास्ट। कसौटी जिंदगी की 2 की कास्ट इन दोनों स्विट्जरलैंड में शूट कर रही है। शूटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दौरान एरिका ग्रीन कलर की साड़ी पहने दिखी, वहीं अनुराग और मिस्टर बजाज सूटेड बूटेड नजर आए। इस दौरान सभी बेहद स्मार्ट दिखे, एरिका ग्रीन साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्विट्जरलैंड का ये ट्रैक अनुराग और प्रेरणा की जिंदगी में तूफान लाने वाला है। खबरों के मुताबिक अनुराग प्रेरणा को अपने साथ बिजनेस से जुड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए स्विट्जरलैंड लेकर गया है। इसी दौरान प्रेरणा की मुलाकात मिस्टर बजाज से भी होगी। प्रेरणा और अनुराग की जिंदगी में जहर घोलने में मिस्टर बजाज पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अनुराग को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अनुराग और प्रेरणा की लव स्टोरी में क्या मोड़ आएगा। अनुराग और प्रेरणा एक साथ हो पाएंगे या प्रेरणा अनुराग के खातिर मिस्टर बजाज से शादी कर लेंगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहादुर माँ और मजबूत महिला की कहानी है छोटी सरदारनी। छोटी सरदारनी एक ऐसी महिला महर के जीवन को चित्रित करती है जो मुश्किलों से गुजरती है और एक अजय माँ बनने के लिए निडर होकर लड़ती है। पंजाब के सरदूलगढ़ के दिलों के आधार पर शो में महर ढिल्लन के जीवन का पता चलता है। एक स्तर की अगुवाई वाली पंजाबी लड़की जो मानव के साथ एक आदर्श जीवन का सपना देखती है, लेकिन महर की मां कुलवंत द्वारा बनाई गई अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उसके सभी सपने और उम्मीदें टूट गए। महर अधिक मजबूत होकर उभरती हैं, अपने डर का मुकाबला करना सीखती हैं और अपने परिवार की रक्षक बन जाती हैं। छोटी सरदारनी ये शो इस तथ्य के लिए सही है कि एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है जो अपने बच्चे की रक्षा करती है। छोटी सरदारनी 1 जुलाई से शुरू होगा, प्रत्येक सोमवार शुक्रवार शाम 7:30 बजे। सेलेब्स एम अवार्ड में लगी सितारों की महफिल। जिग्नेश शाह ने मिलकर अपनी कंपनी सेलेब एम के 1 साल पूरा होने के मौके पर एक भव्य पार्टी और अवार्ड का आयोजन मुंबई के सहारा स्टार होटल में किया। इस अवार्ड फंक्शन में बेपनाह सीरियल की माहिरा शर्मा और एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा ने डांस परफॉर्मेंस किया, वहीं सिंगर्स ने गाकर इवेंट में 4 चांद लगा दिए। LR एक्टिव ऑयल के मालिक अरुण शर्मा ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। पंकज बेरी, राजू श्रीवास्तव, जसलीन मथारू, फैजू, जन्नत जुबैर, JD मजीठिया, मीत ब्रदर्स और कई कलाकारों को अवार्ड से नवाजा गया। ब्राइट आउटडोर के योगेश लखानी खास इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए। नच बलिए 9 में दीपिका पादुकोण संग ठुमके लगाते हुए दिखेंगे रणवीर सिंह। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही एक साथ छोटे पर्दे पर भी रोमांस और डांस करते नजर आ सकते हैं। खबरों की माने तो रणवीर और दीपिका जल्द ही स्टार प्लस के डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 9 में परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। रणवीर और दीपिका को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। ये दोनों शो के ओपनिंग एपिसोड में परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। चैनल इस स्टार कपल को अप्रोच कर रहा है। हालांकि अभी डेट्स फाइनल नहीं हो सकी हैं क्योंकि दोनों ही स्टार्स अपने आने वाले स्पोर्ट्स ड्रामा 83 में बिजी हैं। रिप जीन्स पर ट्रॉल हुई सृष्टि रोड़े। बिग बॉस 12 फेम सृष्टि रोड़े इन दिनों हॉलीडे पर हैं और अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करती नजर आईं, मगर अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से वो ट्रोल भी हो रही हैं। उन्होंने वैकेशन के दौरान की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो मस्ती करती नजर आ रही हैं। सृष्टि रेड टॉप और डैमेज जीन्स पहनी हुई हैं जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। सृष्टि ने कैप्शन में लिखा, मुझे अम्यूजमेंट पार्क काफी पसंद है मगर मैं राइड्स पर बैठने से बचती हूँ, ये काफी अजीब होता है। तिबोली में अच्छा दिन बिताया, एक शख्स ने लिखा कितनी बकवास जीन्स है, दूसरे शख्स ने लिखा इतनी फटी जीन्स क्यों पहनी हो बहन, एक और शख्स ने लिखा एयर कंडीशनर ड्रेस। बिग बॉस से निकलने के बाद से ही सृष्टि और रोहित सुशांति के अफेयर की खबरें जोरों पर रहीं। बेबी बम्प लॉन्च करते हुए माही ने पति जय को किया विश। टीवी एक्ट्रेस माही विस प्रेग्नेंट हैं। हाल ही में माही ने अपने पति जय भानुशाली के साथ अपनी एक नई फोटो शेयर की है। बता दें कि माही विस अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं। माही ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पति जय भानुशाली के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए जय को उनके नए शो सुपरस्टार सिंगर के लिए क्यूट अंदाज में गुड लक विश किया है। माही ने अपनी फोटो को कैप्शन दिया, विशिंग माई लाइफ बिसाइड मी फ्रॉम लाइफ इनसाइड मी ऑल द वेरी बेस्ट। फोटो में माही बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं, जबकि उनके पति जय भानुशाली उनके पेट पर सिर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। घर वालों से लड़कर फिल्मों में आई थी जायरा, धर्म की वजह से जा रही है दूर।
दंगल गर्ल जायरा वसीम की सोशल पोस्ट की माने तो वो बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह फिल्मी दुनिया से दूर जा रही हैं। जायरा ने 30 जून की सुबह अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमोशनल नोट शेयर किया। इसमें एक्ट्रेस ने बॉलीवुड छोड़ने की वजह बताई। दरअसल जायरा को लगता है कि एक एक्ट्रेस बनने की रेस में वो इस्लाम से दूर हो रही हैं और ये बात उनको बहुत परेशान करती है। जायरा के अचानक बॉलीवुड छोड़ने के फैसले पर बॉलीवुड समेत तमाम फैंस हैरान हैं। जायरा अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता के करीब हैं, लेकिन जायरा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बॉलीवुड में आए। अब जायरा प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आने वाली हैं, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही जायरा ने फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। जायरा वसीम पर भड़की रवीना टंडन। जायरा ने बॉलीवुड छोड़ने का जो कारण बताया है उस पर रवीना टंडन भड़क गई हैं। रवीना टंडन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कल लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दो फिल्में करने वाले लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रति कृतज्ञता नहीं जाहिर करते हैं जिसने उन्हें सब कुछ दिया है। अच्छा होता कि वो सम्मान के साथ इंडस्ट्री छोड़ते और अपने रिग्रेसिव विचारों को अपने तक रखते। आगे उन्होंने लिखा, मैं इंडस्ट्री के साथ खड़ी हूँ जिसने हर किसी को मौका दिया है। इसे छोड़ देना आपकी चॉइस है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसे नीचा मत दिखाइए। इस इंडस्ट्री में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ हर धर्म जाति और हर जगह से आए लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। मायापुरी न्यूज डील में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी का।